एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेके आए हैं हरे छोले की चटनी। ये हरा चना जो है बाजार में आना शुरू हो गया है, बिल्कुल फ्रेश है। इसकी चटनी बनाकर देखिएगा। मैंने इसके लिए ये आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा है चना लिया है, जो साफ कर लिया है, धुला हुआ है, फ्रेश है। दो हरी मिर्च मैंने इसे तोड़ के रख ली है, आधा चम्मच जीरा है और आधा इंच अदरक लिया है। छह कलियां, पांच से छह कलियां लहसुन ले सकते हैं आप, 1/4 टीस्पून से भी कम। मैंने नमक लिया है, काला नमक, रॉक सॉल्ट और सादा नमक लिया है। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। तो हम सबसे पहले ये हरा चना डालेंगे, फिर उसके बाद हम दही डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास दही ही नहीं है तो आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे और जो भी हमने जीरा और नमक लिया है वो डाल देंगे। मैं आपको यहाँ बताऊं, ये टेस्टी लगती है और न्यूट्रिटिव है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको बिना पानी के पहले ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए आप कितनी बढ़िया ये चटनी बनकर तैयार है। आप इस समय इसको टेस्ट कर लीजिए। थोड़ा दही अगर और ऐड करना है तो डाल दीजिए, ज्यादा मीठा दही ना हो, हल्का सा खट्टा हो। और ये देखिए दरदरी सी चटनी बनकर तैयार है। मैं थोड़ा सा और इसको एक बार ग्राइंड करूंगी। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर आया है। और ये देखिए पिसकर थोड़ा महीन हो गई है, यानी हमने इसमें 1/4 कप दही यूज की है। इस समय मैंने टेस्ट करके देखा तो थोड़ा नमक डाला है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए क्या बढ़िया चटनी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।